नमस्कार बच्चों, बढ़िया है। सटेली मंडी से मैं डॉक्टर मेनका यादव आज आपको क्लास सेकंड टेक्स्ट बुक इंग्लिश पार्ट टू का एट चैप्टर पढ़ा रही हूँ। सभी इसको ध्यान से पढ़ें। इसके वर्ड मीनिंग्स हम पहले ही भेज चुके हैं। ये देखिए, ये वर्ड मीनिंग्स थे, ये मैं पहले ही आपको भेज चुकी हूँ। आशा है आप सभी ने इनको याद कर लिया होगा। अगर नहीं याद किया है तो सबसे पहले इसको याद कर लेना। इनके अलावा ये जनरल इंग्लिश वर्ड्स भी मैंने भेजे थे, ये भी आपको पक्का याद कर लेने हैं। सभी को ये वर्ड्स भी मैं आपको भेज चुकी हूँ, तो ये सब आपको याद कर लेने हैं। सो लेट अस रीड इट। नाम है ओह नानी, टेल मी ए टेल। ओह नानी, अरे नानी, टेल मी, बताओ, मी मुझे, ए एक टेल कहानी, आप मुझे एक कहानी सुनाओ। तो देखिए, लिसन एंड सी अलाउड, सुनिए और तेजी से इनको बोलिए। टेल, टेल जैसे ही ऐसे ही रैमिंग वर्ड है। टेल सेल, ग्रीन का रैमिंग वर्ड है क्वीन। सो टू वार्म अप, डू यू मीट योर ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन, क्या आप अपने नाना नानी से बार बार मिलते रहते हैं। डू यू लाइक, क्या आपको पसंद है, लिसनिंग टू स्टोरीज, लिसनिंग टू मतलब सुनना, स्टोरीज मतलब कहानियाँ, कहानियाँ सुनना पसंद है क्या। हु टेल्स यू स्टोरीज, आपको कहानियाँ कौन सुनाता है। लेट अस रीड ए पोइम, लेट अस, आइए हम रीड पढ़ें ए पोइम, एक कविता। अबाउट ए चाइल्ड, एक बच्चे के बारे में। आस्किंग हर नानी और ग्रैंड मदर टू टेल हर ए बेड टाइम स्टोरी, बेड टाइम मतलब सोने के समय, स्टोरी मतलब कहानी, ग्रैंड मदर मतलब नानी। तो एक बच्ची है, वो अपनी नानी को बोलती है कि मुझे एक सोते टाइम मुझे एक कहानी सुनाओ। तो उसकी ये छोटी सी पोईम है, आइए इसको पढ़ते हैं। रीडिंग द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को पढ़ना है। वैली होती है घाटी, घाटी मतलब दो ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं तो उनके बीच का जो गहरा हिस्सा है उसी को घाटी बोलते हैं। सेल मतलब तैरना, वार्स मतलब युद्ध, हीरोज मतलब वीर। तो आइए पढ़ते हैं। ओह नानी, टेल मी ए टेल, अरे नानी मुझे, टेल मी मुझे सुनाओ, ए टेल एक कहानी सुनाओ, अरे नानी मुझे एक कहानी सुनाओ। ओफ ए फ्रेंडली डॉग दैट वैग्स इट्स टेल, ओफ ए फ्रेंडली डॉग, ओफ मतलब की, फ्रेंडली मतलब, फ्रेंडली मतलब होता है मित्रतापूर्ण, डॉग मतलब कुत्ते। तो एक कुत्ते की कहानी सुनाओ जो कि वैक्स इट्स टेल, टेल होती है पूंछ, पूंछ को वैक्स करता है। ऑफ हिल्स एंड वैलीज, हिल्स होती हैं पहाड़ियाँ, वैलीज होती हैं घाटियाँ, घाटियों की, पहाड़ियों की, एंड फॉरेस्ट जंगलों की, ग्रीन जो कि हरे भरे हैं। ऑफ लिटिल फेरीज एंड देयर क्वीन, फेरीज होती हैं परियां, लिटिल मतलब छोटी, तो छोटी परियों की और उनकी रानियों की। तो ये अपनी नानी को क्या बोलती है कि मुझे कुत्ते की कहानी सुनाओ जो अपनी टेल को, पूंछ को वैग करता है, पहाड़ियों की, घाटियों की, हरे जंगलों की कहानियां सुनाओ, छोटी परियों की और उनकी रानियों की कहानियां सुनाओ। ओह नानी, टेल मी टेल, अरे नानी मुझे एक कहानी सुनाओ। ऑफ लॉयंस एंड टाइगर्स, लॉयंस की, टाइगर्स की, एंड शिप्स दैट सेल, और उन शिप्स नावों की जो कि तैरती हैं। ऑफ हीरोज हु विन वार्स, हीरोज उन हीरो की, वो जो साहस रखने वाले योद्धा हैं उनकी, हु मतलब जो, विन मतलब जीतते हैं, वार मतलब युद्ध, उन हीरोज की कहानी सुनाओ जो कि युद्धों को जीतते हैं, वार्स को जीतते हैं। एंड द सन मून एंड स्टार्स, सूरज की, चंद्रमा की और तारों की कहानियाँ सुनाओ। ओह नानी, आई विल नेवर फॉरगेट, आई विल नेवर, कभी नहीं, फॉरगेट भूलूँगी, द टेल्स आई हियर आफ्टर सनसेट, द टेल्स कहानियाँ, आई मैं, हियर मतलब सुनना, आफ्टर मतलब बाद, सनसेट मतलब सूर्यास्त। ओह नानी, अरे नानी मैं कभी भी नहीं भूलूँगी ये कहानियाँ जो आप मुझे सुनाती हैं सनसेट के बाद, सनसेट होता है दिन छिपने, संध्या काल के बाद की कहानियाँ जो आप सुनाती हैं वो मैं आप कभी नहीं भूलूँगी। ये इसकी
पोइम की जो लिखने वाली हैं वो है मंजुला शुक्ला, और ये पोइम आपकी मैंने करवा दी है, इसको आप दो बार पढ़ें, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं अगले दिन भेजूँगी। थैंक यू।